इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैन आधार लिंक का लास्ट डेट 31 मार्च 2022 रखी गई है। अगर आप अपना पैन आधार से लिंक नहीं करते हैं 31 मार्च 2022 तक तो क्या होगा। दूसरी चीज ये है कि आज जो एक नया नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया है इनकम टैक्स यानी पैन को आधार से लिंक करने के संबंध में, और अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है, क्योंकि अब लास्ट डेट में टाइम नहीं शेष बचा है, तो उसके संबंध में एक सरकार ने आज नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। देखिए ये है, इन्होंने दिया है इन द इनकम टैक्स रूल्स 1962 हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल रूल्स इन रूल 114 आफ्टर सब रूल 5 द फॉलोइंग सब रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। और कब से ये फोर्स में आ रहा, दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2022। क्या बताया इसमें इन्होंने, एवरी पर्सन हु इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, फेल्स टू डू सो बाय द डेट रेफर्ड टू इन द सेट सब सेक्शन शैल एट द टाइम ऑफ सबसीक्वेंट इंटीमेशन ऑफ हिज आधार नंबर टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी be liable to pay by way of fee an amount equal to। अब यहां पर देखने वाली बात है कि कौन सी फी ये लगा रहे हैं, be liable to pay by way of fee an amount equal to, कितनी फीस लगाने जा रहे हैं वो देखते हैं कि अगर आप समय से अपना आधार लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर एक फीस लगाई जाएगी और वो कितनी होगी, 500 रुपीज। कब तक, 500 रुपीज इन केस वेयर सच इंटीमेशन इज मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA। यानी अगर आप 3 महीने के अंदर करा लेते हैं पैन को लिंक से आधार, पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको देनी है फीस 500 रुपीज। और अगर तब भी नहीं करा पाते हैं तो क्या करना है, 1000 रुपीज इन ऑल अदर केसेस इन द प्रिंसिपल रूल्स इन रूल 114AA इन सब रूल फर्स्ट फॉर द फिगर्स 2020 द फिगर्स 2022 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जहां पर ये 2020 की डेट थी वहां पर अब पड़ी जाएगी 2022, यानी 31 मार्च 2022 की डेट इन्होंने फिक्स करी हुई है, और उसके 3 महीने के अंदर अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा लेट फीस का, और अगर 3 महीने के बाद कराते हैं तो आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा लेट फीस का। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ सब रूल शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड सी इन सब रूल 3 फॉर द फिगर्स 2020 द फिगर्स वर्ड्स एंड लेटर 2022 आफ्टर पेमेंट ऑफ फी इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 5A ऑफ रूल 114 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर अगर अपना पैन आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको 500 रुपए लेट फीस देनी है, अगर 3 महीने के बाद कराते हैं तो आपको 1000 रुपए देनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो जाएगा तब तक वो इनऑपरेटिव रहेगा। क्या रहेगा, इनऑपरेटिव रहेगा। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपका पैन अगर आधार से लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल 2022 से वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। और इससे संबंधित कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होने वाली हैं, उससे संबंधित मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि पैन आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है। इस तरह से उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप उसको पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जाने वाली हैं, कौन कौन सी परेशानियां आपके संबंध में खड़ी होने वाली हैं। लेकिन ये लेट फीस भी आपके ऊपर लगेगी, इसका भी ध्यान आपको रखना है। धन्यवाद दोस्तों।